फिरोज है और मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि इस्लाम से पहले औरत का क्या मकाम था और इस्लाम के बाद औरत का क्या मकाम है। यूनान में औरतों को खरीदा और बेचा जाता था, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई हक प्राप्त नहीं था, सभी हक केवल मर्दों के पास था, उन्हें केवल परियों का वस्तु समझा जाता था, उन्हें पैतृक संपत्ति में भी हक प्राप्त नहीं था। यूनान के मशहूर फिलोसोफ सुकरात कहते हैं कि औरतें उस जहरीले पेड़ के समान है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं पर जैसे ही पक्षी उसे खाता है वह फौरन ही मर जाता है। यहाँ तक कि वह मासूम औरतों को घोड़ों के पूंछ से बांध दिया करते थे और घोड़ों को बहुत ही तेज दौड़ाया करते थे जिसके कारण औरतों की मौत हो जाया करती थी। वह सोचते थे कि औरतों में इंसानी रूह नहीं होती, इसलिए वह उन पर उबलता हुआ तेल डाल दिया करते थे और उन्हें दीवारों में चुनवा देते थे। और जब किसी का शौहर इंतकाल हो जाता था तो उस औरत को जिंदा ही उसके पति के चिता के साथ जला दिया जाता था। उन्हें उस बाढ़ के समान माना जाता था जिसे खुशियाँ और दौलत दोनों ही बहा कर ले जाती थी। यहूदी औरतों को लायक मानते थे, उनका कहना था कि एक औरत ने ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पेड़ का फल खाने के लिए मजबूर किया था। वे लोग औरतों को शैतान मानते थे, उनका मानना था कि जब तुम किसी औरत को देखो तो ये मत सोचो कि तुम किसी इंसान को देख रहे हो या किसी खुखार जानवर को, वह शैतान है और उनकी जिन बातों को तुम सुन रहे हो वह सांपों की पुकार है। उनके कानून के अनुसार औरतें किसी चीज की मालिक नहीं हो सकती थी, यहाँ तक कि जो कपड़े वह पहनती थी वह उनकी भी मालिक नहीं थी। इस्लाम से पहले अरब देश में भी औरतों की कोई इज्जत नहीं होती थी, वहाँ के लोग अपनी बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया करते थे और उन पर कई तरह के जुल्म सितम किए जाते थे। इसके बाद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इस्लाम लेकर आए ताकि औरतों पर हो रहे जुल्म सितम को खत्म कर सके और दुनिया को यह बता सके कि औरत और मर्द बराबर है, औरतों को भी कुछ हक प्राप्त है जिस तरह मर्द को प्राप्त है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के रूप में पैदा किया है इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो, कुंबे और कबीले बना दिए गए हैं। और एक दूसरी तरफ अल्लाह ताला फरमाते हैं, अच्छा मोमिन वह है जिसके अखलाक अच्छे है और तुम में सबसे बेहतर वह है जिसके अखलाक औरतों के प्रति सबसे अच्छे हो। हम सभी के पास कुछ न कुछ खास मनपसंद तोहफे होते हैं जिन्हें हम बहुत ही संभाल कर रखते हैं, ना ही कभी उन्हें खुला छोड़ते हैं और ना ही उन्हें गंदा होने देते हैं। तो जरा सोचिए कि अल्लाह का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा बेटियां है, जब उन पर कोई जुल्म करता है तो अल्लाह को कितना बुरा लगता होगा। इसी तरह इस्लाम में भी औरतों को ढक कर रखा जाता है, उनकी इज्जत की जाती है, उन्हें संभाल कर रखा जाता है। माँ की दुआओं में इतनी ताकत रखी गई है कि वह अल्लाह ताला को अपने बच्चों के किसी चीज के लिए भी राजी करा सकती है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस्लाम में औरतों का मकाम कितना बुलंद है। जहाँ औरतों को सांस लेने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती थी, वहाँ औरतों को अपनी मर्जी से निकाह कराने का हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़कियों का निकाह तब तक ना किया जाए जब तक उनकी रजामंदी हासिल ना कर ली जाए और उसका चुप रहना ही उसकी रजामंदी है। आपकी बेटी फातिमा के लिए जब अली का रिश्ता आया था तो आपने सबसे पहले फातिमा से पूछा, बेटी अली का रिश्ता आया है क्या, मैं हाँ कर दूँ। इसी तरह जब किसी लड़की का निकाह होता है तो उसे मेहर का हक दिया गया है, शौहर पर वाजिब है कि मेहर का हक अदा करे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि औरतों को उसकी मेहर खुशी से दे। और इस्लाम से पहले जब किसी का शौहर इंतकाल हो जाता था तो बेवा औरतों की कोई इज्जत नहीं होती थी, लोग उन्हें बहुत ही बुरी नज़र से देखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेवा औरत से निकाह किया। यह सब यह पैगाम मैं उन लड़कियों तक पहुंचाना चाहती हूं जो इस्लाम को छोड़कर किसी गैर मजहब में जा रही है। मैं उनको यह याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को